ग्रामीण क्षेत्रों का जो रोड है उसको प्रभावित करके इसका तहस महस कर दिया गया है। ये देख सकते हैं सूर्या नदी में जो पुल टूट जाता है, हर साल पुल बनता है, हर साल टूट जाता है, ऐसा पुल बनाया जाता है ताकि ठेकेदारों को इनकम हो, नेताओं को इनकम हो। पहले से टिप टॉप बढ़िया रोड था, उसको 8 करोड़ लगा के रोड को बनाया जा रहा है। ये रोड बढ़िया पहले से था, इसको 8 करोड़ लगा के फिर से बनाया, रिपेयर किया जा रहा है। हाँ तो ध्यान से देखिए, ये रोड जो कि ये कोलवासरी जाने का मुख्य मार्ग है, जिसमें हेवी ड्यूटी व्हीकल चलता है, बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है। और ये देखिए ये इसके रोड का कंडीशन, और ये रोड देखिए जो कि अभी अभी बना 8 करोड़ का लागत से, जो कि ये टिप टॉप रोड था, बढ़िया रोड था, और इस रोड को इतना लेप चढ़ाया गया है 8 करोड़, जो कि चिरकुंडा से लेके पंचित तक ये रोड बना बनने का ये है, और ये 8 करोड़ का लागत से बना। लेकिन इसी का बगल में ये रोड देखिए कैसा इसका हालत है, जो हमेशा इसमें आदमी गिर रहा, कल ही एक लेडीज गिरा था, लेकिन इस पे ध्यान नहीं है। यही है निरसा विधानसभा में परिवर्तन, जो कि देख सकते हैं ऐसा परिवर्तन है। इधर 8 करोड़ का रोड बनता है और रोड पे नाली का पानी बहता है, और इधर देखिए जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र का रोड है और कोलवासरी जाने का मुख्य मार्ग है, जो कि हेवी गाड़ी चलता है, हाईवा जैसा 30 टन 35 टन वाला गाड़ी इस रोड पे चलता है। और इस रोड पे 30-35 टन वाला गाड़ी चलने के कारण, और यहाँ पे देख सकते हैं कैसा बन गया है रोड का कंडीशन, जो कि इस कंडीशन में हमेशा लोग गिर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन का हुआ है कि अच्छा रोड को वहाँ पे, जो अच्छा रोड है उसी पे फिर से 8 करोड़ का ठेका आया है, और वही अच्छा रोड को फिर से बना दिया गया है। लेकिन जो खराब रोड है, जिसमें लोगों को दिक्कत है, जो आदमी गिर रहे हैं और इस रोड से आदमी को तकलीफ है, ये रोड नहीं बना और वो रोड बन गया, जो कि देख सकते हैं यही है भ्रष्टाचार, जो कि परिवर्तन है निरसा विधानसभा में परिवर्तन। और वो जो लाइट आपको दिखा रहे हैं, ये लाइट देख सकते हैं यहाँ पे, ये हाई मार्क्स लाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हाई मार्क्स लाइट है, जो कि अनेकों बार हमने वीडियो बनाया है, 3-4 बार 5 बार वीडियो बनाया हाई मार्क्स लाइट के लिए, जो कि ये लाइट के चलते प्रायः यहाँ दुकानों में चोरी होता है, लेकिन आज तक इस लाइट नहीं बनाया गया। जो कि यही लाइट जो हाई मार्क्स, ये स्ट्रीट लाइट नहीं है, हाई मार्क्स लाइट है, जो कि बहुत दूर तक इसका रोशनी जाता है। और यही लाइट धनबाद तरफ बन रहा है, लेकिन निरसा विधानसभा में ऐसा लाइट ये रिपेयर नहीं हो रहा, नहीं बन रहा, तो समझ सकते हैं निरसा विधानसभा का ऐसा स्थिति है। यही परिवर्तन है, परिवर्तन यात्रा तो निकल रहा है, लेकिन परिवर्तन निरसा विधानसभा में नहीं हो रहा। परिवर्तन यही है कि जो पहले से टिप टॉप बढ़िया रोड था, उसको 8 करोड़ लगा के रोड को बनाया जा रहा है। ये रोड बढ़िया पहले से था, इसको 8 करोड़ लगा के फिर से बनाया, रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन जो खराब रोड है, देख सकते हैं ऐसा स्थिति, जो आदमी गिरता है इसमें, इसको नहीं बनाया जाता। और एक बात कहेंगे कि जो हमने वीडियो पहले चलाया है, जो खुदिया नदी में जो पुल टूट जाता है, हर साल पुल बनता है, हर साल टूट जाता है, ऐसा पुल बनाया जाता है ताकि ठेकेदारों को इनकम हो, नेताओं को इनकम हो, इसलिए ऐसा पुल बनाया जाता है कि हर साल टूट जाता है। उसी पुल का नतीजा है कि ये रोड खराब हुआ ग्रामीण क्षेत्र वाला, वो पुल टूट गया, तब जो हेवी ड्यूटी व्हीकल है, जो हाईवा जो गाड़ी है, 10 चक्का 12 चक्का 14 चक्का, अब उधर से छोड़ के अब इधर से आती है, इधर से आती है, और ग्रामीण क्षेत्रों का जो रोड है उसको प्रभावित करके इसका तहस महस कर दिया गया है। ये देख सकते हैं वो पुले का नतीजा है, तो पहले उस तरफ से जाता था, अब इस तरफ से जाने लगा, और ग्रामीण क्षेत्र का रोड जो है कि प्रभावित हो गया। यही है परिवर्तन निरसा विधानसभा का। और यहाँ पे जो कि अभी जहाँ पे हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, ये जून कुंदर फाटक, ये मुख्य मार्ग है। जून कुंदर फाटक जो है चिरकुंडा थाना के अंतर्गत धनबाद जिले में, ये जून कुंदर फाटक है, चारों तरफ यहाँ पे रोड है, चारों तरफ जाने का। इधर आप चल जाइएगा, इधर पंचित चल जाइएगा, और इधर चल जाइएगा, इधर बस्ती है, इधर चल जाइएगा तो चिरकुंडा है, और इधर आप चल जाइएगा तो कोलवासरी जाने का मुख्य मार्ग है। मैंने बीच चौराहा है, और ये बीच चौराहा का ऐसा कंडीशन है कि जो आदमी आ रहा है यहाँ पे गिर रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। बाकी बात, इस परिवर्तन को देख के आप क्या सोचते हैं, निरसा विधानसभा में जुनकुंदर फाटक का जो परिवर्तन है, उस लाइट का परिवर्तन देख सकते हैं जो कई वर्षों से खराब है, और इस रोड का परिवर्तन देख के आप क्या सोचते हैं, अपना राय ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।